अरे इसमें सुविधाएं क्या हैं क्या नहीं, ये देखिए कि हमारे सीएम साहब नीतीश जी जो कर रहे हैं, जो उन्होंने दिलों पे राज कर दिया था, जो 350 साल उन्होंने बनाया, अब तो वो हमारे दिमाग पे भी छा रहे हैं। जो वो 550 साल के लिए राजगीर में जो उन्होंने एक सुंदर टेंट सिटी बनाया और पर्व बनाने जा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए जब हम आए हैं यहाँ सुविधा, मैं ये समझता हूँ कि जो एक सिख समाज से या सिख सोच से हटकर जो एक सरकार है जिनको पता भी नहीं सिखी का, लेकिन जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, उन्होंने तो हमसे ज़्यादा दिखा दिया कि वो गुरु गोविंद सिंह जी के वो पहले हैं, हम बाद में हो गए। उन्होंने यहाँ पर जैसे स्टाफ छोड़ा हुआ है अपना, वो पकड़ पकड़ कर हमें ये पूछ रहे हैं कि ये बस खड़ी आपके लिए, जाइए जी, कोई सुविधा चाहिए इधर से, ठीक है। मतलब कि डॉक्टर बैठे हैं, पूछ गुछ वाले बैठे हैं, बसें बैठी हैं, और एक आदमी को दो दो आदमी पूछ रहे हैं, इससे आओ भगत, इससे बड़ी आओ भगत कहाँ होगी। मतलब वो अतिथि देवो भव वाली तो कहानी, मैं तो कह रहा हूँ उससे ही कहीं आगे चले गए आप लोग। और अब आप लोगों को हम जितना थैंक्स बोल सकते हैं कह सकते हैं वो कम है। मैं तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहब की कमेटी में चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और सिर्फ सेवा करता हूँ, मेरी कोई तनख्वाह नहीं है, वॉलेंटियर हूँ, और मैं खुद वहाँ कनाडा रहता हूँ। देखिए कनाडा से आगे मैं सेवा करता हूँ, क्योंकि मेरे को भाव है कि मेरे गुरु की धरती है, जन्म स्थान है। और नीतीश जी तो हमसे कहीं आगे चले गए, हम तो अपने धर्म पिता को सोच के आ रहे हैं, उन्होंने तो उस पिता को कह दिया कि वो पूरी कायनात का है, हम उसको मना रहे हैं, वो हमारे से पहले वो कहते हैं हमारे हैं। और आप देखिए 3 साल से वो कैसा कर रहे हैं, और आप तो राजगीर का जो प्रोग्राम और इस बार जो जुड़ गया 550 साल, जैसे पाकिस्तान ने रास्ता खोला, मैं समझता हूँ इधर से जो नीतीश जी कर रहे हैं वो बराबर उन दोनों से टाकरे में जा रहा है जो हम सोच रहे थे। हाँ निकलेंगे, आप नहीं तो बड़ा देर में कल ना ना ठीक है, उनका लेकर तो वहाँ चलो ना।